कैसा एक्सपीरियंस रहा? एफसी का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है। एफसी में बॉयज़ किस तरह के? एफसी में बॉयज़ बहुत ठरकियाँ हैं। एफसी की गर्ल्स कैसी हैं? एफसी के बॉयज़ जो हैं वो पुंडीबाज़ हैं। एफसी के बॉयज़ बहुत ठरकी बहुत पुंडीबाज़ हैं। वन बेस्ट थिंग इन एफसी, वन बैड थिंग एवरीथिंग। एनवायरनमेंट कैसा है? स्टडी एनवायरनमेंट भी यहाँ का बहुत। फेवरेट प्लेस? फेवरेट प्लेस ग्राउंड, एक अच्छे छोरे और एक अच्छे पुंडीबाज़ हैं। ऐसे वैसे जहाँ प्राइवेसी मिलती है। आपका नाम? अलीशा। मुझे एफ सी में मेरा फोर्थ सेमेस्टर है, तीन सेमेस्टर्स हो गए हैं, मतलब वन एंड हाफ ईयर। कैसा एक्सपीरियंस रहा? एफ सी का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, मतलब लाइक ऊपर नीचे होता रहता है, कभी कुछ अच्छी चीज़ें बहुत होती हैं, कभी बुरी चीज़ें होती हैं, मतलब अच्छा जा रहा है, नॉट कॉन्स्टेंट, कभी ऊपर कभी नीचे। हाल तो अच्छा जा रहा है, अब आगे देखते हैं। एफसी में मैंने सीखा है कि कैसे लोगों को डील करना है, कैसे स्नेक्स को डील करना है। एफसी में स्नेक्स हैं बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। यहाँ पे एफसी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी है? नहीं, मेरे ख्याल में एफसी में ज़्यादातर लोग फेमिनिस्ट हैं, ठीक है, जहाँ तक मैंने देखा। हाँ, एफसी आपको डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देता है, लिबरल आर्ट्स का यहाँ पर बहुत अच्छा एक सिस्टम है। और बाकी एफसी में ये देखा है कि लाइफ एज कम्पेयर टू बाकी यूनिवर्सिटीज अच्छी है। एफसी में मज़ेदार एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे पढ़ के। अच्छा एक्सपीरियंस है। पेमेंट मिक्स्ड है, पेंडे भी हैं। बहुत कुछ मतलब पढ़ाई से पढ़ाई करने आते हैं, पढ़ाई के अलावा कैसे? और कॉन्फिडेंस जो कि मुझे नहीं था वो आया, और लाइफ अच्छी गुजारने का तरीका। एक्सपीरियंस कैसा रहा एफसी में? एफसी का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। सबसे ज़्यादा इधर जारी बात है पॉलिटिक्स सबसे पहले। अच्छा बहुत अच्छा भी था बुरा भी था, काफ़ी चीज़ें हुई। अच्छा कैसे और बुरा कैसे? अच्छा ये है कि एनवायरनमेंट ऑब्वियसली डिफरेंट है और फ्रीडम होती है, ये सब कुछ आपको बाहर इस तरह का नहीं मिलता। हाँ जी, ठीक है। लेकिन जो आपके साथ लोग करते हैं ना फिर तो क्या करते हैं? स्पेशली लड़कियों का आप देखो तो बिचिंग बहुत होती है, जो ग्रुप्स बनते हैं एकदम से, हम हमेशा साथ रहेंगे, तुम्हारी शादी पे ये होगा, और फिर जब एकदम से लड़ाई से कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, अकेला हर बंदा अकेला होता है। एफसी से अभी सीख रही हूँ, अभी तक अच्छा जा रहा है एक्सपीरियंस, बट अच्छा जा रहा है जी। ज़्यादा लोगों से वैसे सुनने को मिलता है कि आगे जाके धोखे होंगे, और दोस्तों में सर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत से अप्स एंड डाउन आते रहते हैं यहाँ पे। अभी मुझे स्टार्ट में ही आ गया, हालांकि मेरा रश्मन का ये फर्स्ट सेमेस्टर शुरू हुआ है। एफसी में बॉयज़ किस तरह के? एफसी में बॉयज़ बहुत ठरकियाँ हैं, बहुत ठरकियाँ हैं, पुंडीबाज, बहुत पुंडीबाज हैं, ऐसे घूरेंगे जैसे पहली बार लड़की देख ली है कोई इन्होंने, ठीक है, मतलब नहीं बहुत अच्छे लड़के। एफसी की गर्ल्स अच्छी हैं सारी, स्नेक्स हैं इधर नहीं है, सारी अच्छी हैं। तो ये तो आप फेवर कर रही हैं? नहीं मैं फेवर नहीं कर रही हूँ, एफसी की गर्ल्स हाँ बुरी भी हैं, स्नेक्स हैं, बहुत सारी स्नेक्स हैं। एफसी की लड़कियों की जो दोस्ती है वो कंपैरेटिवली बॉयज़ की दोस्ती से कम है। कि आपके अंदर ना बेहतरीन सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, आपने कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एफसी की एक तारीख रही है कि आपको यहाँ से इनकार नहीं होने लगा। अगर आप सूटेड बीटेड आप वेल, इनकार नहीं होता आपको, ये बात कन्फर्म है 110% कन्फर्म। क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं गर्ल को पटाने के लिए एफसी में? बड़े ही पापड़ बेलने पड़ते होंगे? नहीं, बड़े पापड़ नहीं बेलने पड़ते, आपके अंदर सिर्फ कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, आप उनका बैग उठा सकें, ठीक है, आप उनको प्रॉपर टाइम दे सकें, ठीक है, पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे सकें,
तो बेहतर पिक एंड ड्रॉप दोगे, अच्छी गाड़ी रखोगे, अच्छी गाड़ी, अच्छा मोबाइल, अच्छी ड्रेसिंग, हाँ पैसे पे मरती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो में देख रही है सारी। अच्छा देख रहे तो कोई नहीं, जो बात हकी सच्ची वो हकी बात करनी, बाकी जो पैसे वाली बात की वो गलत है, ठीक है। लुक्स होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। मैंने ये पेट यहाँ से यहाँ किया है, ठीक है ना। तो ये देखो ना मेरी पैंट देखो कहाँ से कहाँ पे आ गई है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। हाँ ड्रेसिंग बड़ी मैटर करती है, ठीक है ना। आप बंदे के बच्चे बन के आओ, ठीक है, तब जाके लड़की आपके साथ चलेगी। अब ये चेहरा हो तो कैसे चलेगी। ये बात भी सही, ये बात है। एफ सी की गर्ल्स कैसे हैं? बस ठीक है, बस ठीक है, बस ठीक है। गुंडी बॉस हैं, एफ सी में हर किस्म की चीज, जिस ब्लेंड की आप चाहें हर किस्म की लड़की, क्लब के अच्छी हथून भी हैं, कुछ उस टाइप की भी हैं, जिस तरह आप समझ तो आप रहे हैं ना मेरी बात, नहीं आप समझे ना मेरी बात को, समझे। हाँ उस टाइप की भी, हाँ उस टाइप की बहुत है, बहुत हैं जी, बहुत हैं, ठीक है। बॉयज भुंडी करते हैं गर्ल्स की? अब ये तो ऑब्वियस ही बात है, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। किस टाइप की? मतलब देख के बस, और भुंडी बात है दोनों दोनों। एफ सी की या लड़कियाँ ठीक है, मतलब कि बस ओके हैं, है ना। सबसे पहले गोल्ड डिगर ठीक है, महीना करना, लेकिन एक गोल्ड डिगर सबसे पहले, ठीक है। कुछ अच्छे भी हैं पर बेबी वेरी करता है पर्सन टू बी ऑनेस्ट। तो क्या है मतलब आपको हर तरह की एनवायरनमेंट मिलेगी एफ सी में? प्यारे नहीं हैं, मतलब सबसे बड़ी बात प्यारे नहीं हैं, बहुत मुश्किल से प्यारे मिलते हैं। अच्छे होते हैं जो फक बॉयज होते हैं, ठीक है, देखने में दिल भी हॉट, जो हॉट लड़के होते हैं, सॉरी ऑब्वियसली वो सारे फक बॉयज होते हैं। ओके कुछ होंगे जो आपसे बात ही नहीं करेंगे, एटीट्यूड बॉय, हाँ ठीक है। और बाकी होते हैं क्रीपी होते हैं, कुछ दूर से इस तरह देखते रहेंगे आपको, जी फील कराएंगे, हाँ अच्छी हैं कैटेगरीज में, फ्रेंडली है, अच्छी है, लेकिन वही बात है कर रहे हैं एफ सी में, फेस टू फेस तारीफ कर रहे हैं एफ सी में, हर तरह के लोग हैं, तो इसके बीच में कुछ डेस्परेट भी हैं। अच्छा। और बीच सारे सेम है, सारे सेम मतलब कि एक मिक्स है सारा काम यार, मिक्स है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, बॉयज यहां पे बॉयज, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल है, सिर्फ इंटर के बच्चे, हां वो ठीक। एफ सी के बॉयज जो हैं वो भुंडी बॉयज हैं? एफ सी के बॉयज बहुत ठरकी, बहुत पूंडीबाज हैं, मैंने ऐसा बहुत देखा है। हाँ ठीक है, सारे नहीं हैं, कुछ बीच में अच्छे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग दे लेते हैं। परसेंटेज मैं दूंगी 60% ठरकी हैं, जो कि मैं एक अनयूजुअल चीज़ नहीं मानती हूँ भाई, हर जगह है आजकल, लाहौर में सारे ठरकी लोग ही नजर आएंगे आपको। 60% यहाँ पे ठरकी ही मिलेंगे आपको, 40% शरीफ। हाँ अक्सर। और गर्ल्स करती हैं बॉयज़ की? बहुत ज़्यादा। कौन ज़्यादा करता है? लड़कियाँ। लड़कियाँ हम तो मानते नहीं है, लेकिन हम नहीं, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा आपको ताड़ती हैं और सारा ऑब्वियस सी बात है। इसी तरह ग्रुप्स में बैठ के बेहतरीन निज़ाम के साथ आपकी बुंडी की कभी किसी ने? आप ये तो वो आपको बता सकती है ना, बल्कि मुझे लगता है हाँ मैंने की। किस लेवल तक? बहुत लेवल तक की, अब आपको मैं क्या बताऊँ यहाँ पे। नहीं नहीं, कुछ ग्रुप होंगे मे बी, एक दो ग्रुप नहीं है, नहीं इतने नहीं। सोफिस्टिकेटेड है, यू कैन से दैट। ठीक है, गर्ल्स बूंदी करती हैं बॉयज़ की? ऐसी वैसी यार, ऐसी वैसी। एक्सक्यूज मी, नो वी डोंट। ओके करती हैं, जरी बात है यार, हर कोई करता है, अगर बॉयज़ भी करते हैं गर्ल्स भी करते हैं, जरी बात है। पूनीबाज होते हैं वो, मतलब हार्मलेस आपको देख रहे हैं, ठीक है। स्कैनर होंगे कुछ, फोन निकाल के पिक्चर्स भी खींचेंगे आपके सामने और ऊपर से लेके नीचे तक देखेंगे और आपको पता चलेगा, पता चलेगा कि स्कैनर है। हां बूंदी करती हैं? नहीं बूंदी नहीं करती, नहीं कभी नहीं की, कभी नहीं की तुमने, कभी ना की। यार ये गुंडी करती हैं? साथ मिलकर की थी यूनिवर्सिटी की स्टार्टिंग पे। अच्छा अब नहीं? नहीं अब तो, अब दिल पर। वन बेस्ट थिंग इन एफसी? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट वन बेस्ट थिंग इन एफसी? लंदन ब्रिज। लंदन ब्रिज, लंदन ब्रिज देखा आपने? देखा ये ब्रिज। इसकी क्या खास बात है? की ये खास बात है कि सर्दियों में जब फॉग होती है तो इधर बैठ के झूमने का बड़ा मजा आता है। माहौल, माहौल बच्चियों का? नहीं नहीं वैसे नहीं, कैंपस लाइफ। अच्छा, बच्चियों में कुछ नहीं रखा हुआ, कुछ नहीं रखा हुआ। कभी किसी पे ट्राई नहीं मारी? यहाँ जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद ट्राई मारते हैं।
इधर का एनवायरनमेंट डेफिनेटली पेंडू लोग का मैं पेंडू कैसे होते हैं मतलब नहीं अच्छे लाइक बात करने का तरीका ना हो जिनमें बहुत पंजाबी एक्सेंट वन बैड थिंग एवरीथिंग यस यहां पे ग्रेड लेने में बहुत वाकई मसला है और ग्रेड्स बहुत मुश्किल से हां ग्रेड्स का इशू होता है और 5 बजे के बाद बिल्डिंग के अंदर नहीं रुक सकते हां नहीं रुक सकते आपको बाहर बैठना पड़ता है ये 5 बजे के बाद बंद हो जाता है बिल्डिंग ई ब्लॉक ये ई ब्लॉक बाहर इधर बैठना पड़ता है 5 बजे के बाद नहीं रुक सकते ये बात तो सर ना 5 बजे के बाद भाई जाना तो ये 5 बजे के बाद रुकते क्यों हैं 5 बजे के बाद क्लासेस तो खत्म हो गई शादी लगाने के लिए 5 बजे के बाद इसलिए रुकते हैं कि यहां पर अब सर्दियों के अंदर जब आएगा धूप बैठेंगे स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ सारी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रह के गुजारी है तो अभी यूनिवर्सिटी में आके नहीं नहीं नो रिस्ट्रिक्शंस की बात नहीं है लेकिन यूनिवर्सिटी में आके बंदा ये लिबरल्स का स्कूल है ना तो 5 बजे के बाद लोग ज्यादा कोजी हो जाती है ठीक है 5 बजे तक क्लासेस एनवायरनमेंट कैसा है स्टडी एनवायरनमेंट भी यहां का बहुत अच्छा है टीचर्स अच्छे हैं अच्छा सारा है स्टडी काफ़ी अच्छी इनका टफ तो जारी बात है टफ नहीं स्टडीज अच्छे टीचर्स अच्छे हैं ना तो इसलिए स्टडी अच्छी हो जाती है अच्छी है लेकिन ये वही ग्रेड नहीं मिलता ग्रेड नहीं मिलता कंजूस हैं ग्रेड के लिए बहुत बहुत ज्यादा और टीचर्स इतने पोलाइटली आपसे बात करेंगे आपको ऐसा लगेगा टीचर आप फेवरेट स्टूडेंट हो जब ग्रेड मिलता है ना कुछ समझ नहीं आती हुआ क्या आपके साथ स्टडी का अच्छा है मतलब टीचर्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के स्टाफ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ पे वैसे ज़्यादा लोग पता नहीं क्यों आई थिंक FC जो है वो बहुत ज़्यादा अंडर रेटेड है ना अच्छा एक इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल फेवरेट प्लेस ई ब्लॉक और ग्राउंड ई ब्लॉक इसलिए कि ई ब्लॉक की ठंडी हवाएँ सारा साल ही बंद होती और ग्राउंड इसलिए कि ग्राउंड में इस वक्त वहाँ सामने सनसेट हो रहा होता है ऊपर पर इतने बड़े लोग प्यारे प्यारे लग रहे प्यारे प्यारे बैठे फेवरेट प्लेस ग्राउंड एंड ई ब्लॉक ग्राउंड क्यों ग्राउंड के पीछे जहाँ पे जब सनसेट देखा जा रहा होता है तो हम लोग प्यारे प्यारे लोग अच्छी जगह FC में FC का स्विमिंग पूल भी है उसके सामने गर्ल्स हॉस्टल इसलिए अच्छा वो स्विमिंग पूल का ये फायदा है ऊपर गर्ल्स हॉस्टल है नजर आ जाता है उनको हम नजर आते हैं हम तो उनको हम नजर आते हैं आपको वो नजर नहीं आती हमें जरूरत ही फेवरेट प्लेस ई ब्लॉक फेवरेट प्लेस जहां प्राइवेसी मिलती है क्या अच्छा इस किस किस्म की प्राइवेसी नहीं देखो आई एम एन इंट्रोवर्ट मैं ज़्यादा ना लोगों से मिलता जुलता कम थोड़ा अलोन टाइम मिलता है अलोन टाइम मिलता है ठीक है सही हो गया हमें भी ये बात नहीं पता इसी इंटरव्यू में पता चला